नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर ने उगला जहर, भारत और अमेरिका को दिखाई पाकिस्तान के परमाणु बम की हेकड़ी। मसूद अजहर का दावा, मुझे पाने के लिए भारत ने तालिबान को दिया था पैसों का ऑफर। देर रात कतर से जिनेवा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज 12 बजे स्विस राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। काले धन और एनएसजी में भारत की एंट्री पर हो सकती है चर्चा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी, आज दल खालसा ने किया बंद का ऐलान। बंद के चलते अमृतसर हुआ छावनी में तब्दील, पुलिस के साथ सीआरपीएफ और आईटीबीपी भी तैनात। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में आज होगा सजा का ऐलान, विशेष अदालत ने 24 आरोपियों को ठहराया था दोषी, जबकि 36 आरोपी हुए हैं बरी। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, ब्रह्मपुरी इलाके में माँ और दो बेटियों की हत्या, सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में गुंडा राज। जाटों के आंदोलन का दूसरा दिन आज, दिल्ली यूपी समेत 13 राज्यों में धरना देंगे जाट आंदोलनकारी, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। जोकोविच बने लाल बजरी के बादशाह, फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किया अपने नाम, फाइनल में एंडी मरे को हराया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।